मई 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए हुए 9 साल पूरे हो गए हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी सेवा पर विश्वास करने वाली पार्टी है। जिस तरह से आप सबको भी पता है कि हमारी पार्टी की मूल सोच है अंत्योदया। अंत्योदया का मतलब है कि समाज में जो भी दबके हुए लोग हैं, जो विकास से सुदूर में रहते हैं, उनको विकास पहुंचाते हुए हम अपने देश को आगे लेके जाएं, यही अंत्योदया का मतलब होता है। और उससे स्फूर्ति लेते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक निनाद दिए थे, सबके साथ सबका विकास। और तब से लेकर आज तक, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानी बने और आज के दिन तक, भारतीय जनता पार्टी सेवा पर विश्वास करते हुए आगे गई है। उसके बाद जैसे 2014 से पहले जो हाल देश में था, आप सबको पता है, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो या टीवी चैनल खोलो, एक ही बात हमको सुनने में आता था, स्कैम स्कैम और स्कैम। पर 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, जब भी आप न्यूज़पेपर देखो या टीवी चैनल खोलो, हमको सुनाई में आता है स्कीम स्कीम और स्कीम। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने पहले बताए थे पार्लियामेंट में जाते हुए कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ, यानी कि उस दिन से लेकर आज तक हर एक योजना जो उन्होंने लेके आए, वो देश के गरीब के लोगों को और दबके हुए जो वर्ग होते हैं उन सभी को विकास देने पर भी उनका पूरा का पूरा ध्यान था। यानी कि हर एक, जो जनधन योजना हो सकता है, जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षित योजना, मातृत्व वंदन योजना, मातृत्व सुरक्षित योजना, बेटी बचाओ बेटी पाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान सम्मान निधि, किसान सिंचाई योजना, ये हर एक योजना, ये कुछ ही योजनाओं की बात मैं कर रही हूँ, पर हर एक योजना देश के गरीबों के लिए वो आगे लेके आए और आज तक भी काम किए। कोरोना के काल में भी, जिस तरह आप सबको पता है, जब हर एक राजनीतिक पार्टी आईसीयू में पड़ा था, तब एक ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जो बाहर आकर कोरोनाग्रस्त लोगों का सेवा किया। और हम गर्व करते हैं अपने कार्यकर्ताओं पर, जो अपने जान की परवाह न करते हुए वो सब बाहर आकर फूड पैकेट्स देना हो, या दवाइयां पहुंचाने की बात हो, या फेस मास्क पहुंचाने की बात हो, इन सभी कामों में हमारे कार्यकर्ता जुड़ गए थे, जिसकी वजह से मैं एक बार फिर से गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि सेवा पर विश्वास करते हुए हमारे कार्यकर्ता आगे गए। और नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, जिस तरह की नेतृत्व उन्होंने देश को दिया, आज अगर देखोगे तो पूरा का पूरा विश्व में जो आर्थिक मांदी चल रही है, यानी कि जो हम मानते हैं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बढ़ोतरी आज के दिन में है 1.2%, 1.2%। पर स्टैनली मॉर्गन, जो इंटरनेशनल आर्थिक संस्था है, उन्होंने खुद कहा कि भारत देश का विकास आज के दिन पर 7.2% है। यानी कि विश्व में आज भारत का वृद्धि जो है सबसे आगे चल रही है। और हम एक समय ऐसा था जब हम 11वें स्थान पर थे, उसके बाद अब हम 5वें स्थान पर हैं, और आगे आने वाले दिनों में हम 3रे स्थान पर आएंगे, ये तो दावे के साथ हम कह सकते हैं। और ये सब हुआ है नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की वजह से। और वैसे ही एक समय ऐसा था जब हम 97% मोबाइल फ़ोन्स हम इंपोर्ट करते थे, पर आज के दिन में 98% मोबाइल फ़ोन्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेक इन इंडिया का जो योजना नरेंद्र मोदी जी आगे लेकर आए थे, ये उसका प्रभाव है और उसका फलस्वरूप है। वैसे ही अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें, एक समय ऐसा था जब जापान सबसे बड़ा था, पर आज भारत देश 3रे स्थान पर है। तो ये सब हुई है क्योंकि एक दृढ़ नेतृत्व देने वाले नेता आज देश के प्रधानमंत्री बने। एक समय ऐसा था 2014 से पहले, जब टेररिस्ट जो होते हैं, उग्रवाद जो होते हैं, पाकिस्तान से हमारे भूभाग में आकर
हमारे सैनिकों को मारकर उनका सर काटकर वो वापस लेके जाते थे एज ट्रॉफीज। पर आज मोदी जी के नेतृत्व में जब वो हमारे भूभाग में घुसकर हमारे सैनिकों को मारे, तो एक ऐसा मैसेज नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमारे सेना के माध्यम से। हमारे सेना उनके भूभाग में गए, घुसे, उनका जो टेररिस्ट का जो ट्रेनिंग कैंप्स है उनको ध्वंस करें और वापस सुरक्षित आए। इसका मतलब जिस तरह की नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी देश को दे रही हैं, लोगों को समझना है। और वैसे ही अगर हम देखेंगे तो एक समय ऐसा था जब कोई निर्णय लेने में प्रधानमंत्री 10 बार सोचते थे, पर आज जिस नेतृत्व भारत देश में है, जो प्रधानमंत्री आज यहाँ बने हुए हैं, वो निर्णय लेने में पीछे हटते नहीं, जिसकी वजह से आज विश्व भर में भारत देश को ऊंचे स्तर पर रखकर सभी लोग मर्यादा और गौरव सम्मान दे रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो एक हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी हमारे भारत देश में आए थे और उन्होंने एक वाक्य में कह दिए थे कि नरेंद्र मोदी इज दी बॉस। यही बताता है कि जिस तरह से पूरे विश्व में भारत देश की नेतृत्व आज चल रही है, ये पूरा इसको दर्शाता है। और वैसे ही ओडिशा की बात करें तो हर एक कार्यक्रम के अंदर अगर मैं एक वाक्य में कहूँ कि जितना भी विकास आज ओडिशा में हो रहा है, अगर वो कह पाएंगे कि केंद्र सरकार के जो सहकार या जो निधि आती है उसके बिना यहाँ विकास हो रहा है, तो हम देखेंगे ये कैसा, हम वी आर रेडी फॉर अ डिस्कशन एंड अ डिबेट ऑन दैट। यानी कि ओडिशा में जितने भी विकास का काम हो रहा है, वो घर हो, वो नल के अंदर जल हो, या गरीबों के लिए अन्न योजना के अंदर मुफ्त में चावल देना हो, ये सब केंद्र सरकार की सहायता से होने वाली कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर यहाँ के गरीबों के लिए भी घर दिया गया है। और मैं सुबह से पोटंगी से लेकर आज यहाँ तक मैं घूमते आ रही हूँ और यहाँ से के लोगों से मिल रही हूँ, तो ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों का कहना ये है कि जो सच्चाई में जो गरीब है उनको घर नहीं मिला, पर जो बीजेडी को समर्थक है उनको घर मिल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं और सारे भाई मेरे साथ सुबह से मेरे साथ थे, तो ये उनका कहना है, हमारा नहीं। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार देती है, यानी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाना हो तो 1,80,000 रुपये केंद्र सरकार देती है, पर आज यहाँ क्या होता है, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जो बीजेडी का शासन है, वो उनका खुद का स्टिकर चिपकाकर उसको बीजू पक्का कर घर कहते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता रास्ते में उतर कर आए तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चित्र लगा दिए, तो ये कहाँ का न्याय है। वैसे ही जैसे मैंने बोली, कोरोना के काल में जिस तरह से सेवा किया, गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश में 80 करोड़ गरीबों को आज मुफ्त में 5 किलो चावल केंद्र सरकार दे रही है, उनके साथ 1 किलो दाल भी दे रही है। वो केवल कोरोना काल तक सीमित नहीं था, बल्कि आज भी गरीबों को मुफ्त में 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रहा है। मैंने अभी पूछ के आई थी यहाँ के लोगों से और उनका जवाब भी था कि उनको मिल रहा है, और इसे दाल नहीं मिल रहा। हाँ, तो इसका भी जवाब यहाँ का शासन देना है कि दाल क्यों नहीं मिल रही यहाँ का गरीबों के लिए, जब केंद्र सरकार देती है तो वो उस दाल को का क्या किया है, इसका भी जवाब यहाँ के गरीबों को यहाँ का शासन देना है।